क्या आप जानते हैं दुबई में सुपर कार्स और लग्जरियस कार्स के ऐसे गैराज हैं जहां लोग अपनी कार्स छोड़ के चले जाते और फिर उसे यूज नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फरारी से लेकर लग्जरियस रोल्स रॉयस तक आपको इस गैराज में मिल जाएगी जो यहाँ पड़े पड़े धूल मिट्टी में खराब हो रही है और इसका कोई ओनर भी नहीं। अब सवाल ये बनता है कि ये कार यहाँ आई कैसे और इनके ओनर्स ने इनको ऐसे क्यों छोड़ दिया। दरअसल फ्रेंड्स, बात ये है कि दुबई में तकरीबन 2,000 से 3,000 ओनर्स अपनी ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी अचानक डेथ हो जाती है या उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है जो उनको कंट्री छोड़ने पर मजबूर करता है। फिर वो अपनी लग्जरियस घर कार ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें जेल जाने से ये बेहतर लगता है। अब यकीनन आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि इन कार्स का फिर होता क्या है, ऐसे पड़े पड़े तो ये खराब हो जाएंगी। दुबई पुलिस इवेंट्स अरेंज करती है एजेंट्स के थ्रू जिसमें वो ये कार्स की ऑक्शन करते हैं। जिसकी जितनी हाई बिड होगी या बोली होगी ये कार्स उसकी हो जाती है। जैसे ही बिड कंप्लीट होती है तो उसी टाइम जो बायर होता है उसको 20% अमाउंट पे करनी होती है, उसके बाद पूरी अमाउंट। इसी तरह कई मिलियंस डॉलर की कार कम रेट पे सेल हो जाती है। बाद में इसके ओनर्स इसे मॉडिफाई करवा लेते हैं या दूसरे कंट्री ले जाते हैं और वहाँ और अच्छे रेट्स में सेल करते हैं। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट के बिना हम इस चैनल को मजीद ग्रो नहीं कर सकते। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Oh,